हिमाचल में दस्तक दे चुके मानसून ने रह रहकर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते भी जहां आधी रात को आए तूफान की वजह से कांगड़ा में करोड़ों का नुकसान हुआ था, वहीं इस बार भी आंधी और तूफान ने खूब तांडव मचाया है। आंधी और तूफान की वजह से कांगड़ा में नेशनल हाईवे समेत कई लिंक रोड पेड़ों के टूटने से अवरुद्ध हुए, तो वहीं प्रदेश के एकमात्र युद्ध संग्रहालय और स्मारक में भी सूख चुके पेड़ों ने अपना कहर मचाया है। इतना ही नहीं, सरकार और प्रशासन के अथक प्रयासों से धर्मशाला के युद्ध संग्रहालय में बेहद मशक्कत के बाद पहुंचाए गए कई जंगी हथियार भी इन पेड़ों की चपेट में आए हैं। अभी हाल ही में युद्ध संग्रहालय में डिस्प्ले किया गया फाइटर जेट तो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। इस कदर हुए नुकसान से अब प्रशासन की भी नींद खुल गई है और आज जिलाधीश राकेश प्रजापति ने बकायदा तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्थिति का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं नुकसान का आंकलन करने पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने इस तबाही से सबक सीखने की बात कही है, तो वहीं युद्ध स्मारक के बिहाफ पर बनाई गई एनजीओ के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल केकेएस डडवाल ने बताया कि युद्ध संग्रहालय में 19 पेड़ सूखकर टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसके लिए वो बार बार संबंधित विभागों के समक्ष काटने की अपील करते हैं। बावजूद इसके आज दिन तक विभाग के कान पर जू नहीं रेंगी। नतीजन जब भी आंधी तूफान आता है तो यहाँ हर साल इसी तरह से लाखों का नुकसान होता है। हमने पूरी कोशिश की है, हर एक डिपार्टमेंट कंसर्न को बताया है और हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है। चीफ मिनिस्टर की हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट की है इसके बारे में, पर अभी तक यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर अगर क्यूमुलेटिव डैमेज की बात करें, क्योंकि मैं ये जो अभी हो रहा है यहाँ पर, तो ये तो एक ही तूफान में हुआ है। पिछले 4 साल में काफ़ी सारी डैमेज हो चुकी है और डैमेज लाखों में गई हुई है। अभी उसको रिपेयर करने के लिए तो उसका एग्जैक्ट कितना कॉस्ट लगेगा वो तो PWD सिविल डिपार्टमेंट ही बता सकता है। अब DC साहब ने तो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि DC साहब ने इसके ऑर्डर दिए हैं कि SDM लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे IPH है, PWD है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वो सारे मिलके जो एक्शन लेवल पे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे जो लोग हैं, वो SDM साहब के बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे और वो चिन्हित करेंगे। जैसे हमारे MC में ट्री ऑफिसर भी हैं, तो कमिश्नर महोदय ने जैसे ही हमने उनको इसकी रिपोर्ट दी कि इस तरह से पेड़ का ये इशू है और मॉनसून प्रिपेयर्डनेस पे ऊपर DC साहब ने मीटिंग ली है, तो उन्होंने तुरंत अपने जो हमारे ट्री ऑफिसर हैं और मेरे को माईसेल्फ, उन्होंने एक्टिव मतलब पूरा आदेश दिए हैं कि उसको ठीक से डील किया जाए और जो ऐसे प्रॉन टू फॉल ऐसे ट्रीज हैं उनको जल्दी से चिन्हित करके उसको रिपोर्ट बना के और SDM महोदय को सूचित किया जाए ताकि समय रहते जो है उसका एक्शन लिया जा सके।